नमस्कार, आपका बर्थ डिटेल 6 जनवरी 1993 दोपहर के 3:50 यानी 15:50 पे आपका जन्म हुआ। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय मिथुन लग्न का उदय हो रहा था और चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, यानी आपके जन्म का जो लग्न है उसका जो मालिक है वो बुध है और आपकी जो राशि है वो टॉरस साइन यानी वृषभ राशि है जिसके लॉर्ड शुक्र है। तो ये तो ही लग्न और राशि की बात। शुरुआत करते हैं लग्न पे बैठे हुए ग्रहों की स्थितियाँ। लग्न मिथुन लग्न एक वायु तत्व राशि का लग्न है। ऐसे लग्न वाले लोगों के मन में विचारों का आवागमन चलता रहता है। ऐसे लोग बाग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, यानी एनर्जेटिक टाइप के लोग होते हैं और लोगों को वो दर्शाते भी हैं कि मेरे पास कितनी एनर्जी है, मेरे पास कितने विचार हैं। लग्न में जब मंगल बैठा हुआ हो तो ये स्थिति मांगलिक तो बनाती है कि आप मांगलिक हैं, यानी शादी के लिए देखे जाए तो मांगलिक लड़की देखें, ना भी दे मिले तो भी कोई बात नहीं है, उसकी कुंडली में और भी अदर चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन आप मांगलिक हैं। मंगल जब लग्न में बैठा हुआ हो ऐसे लोगों को एग्रेशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, जल्दबाजी पे कंट्रोल रखना चाहिए, अधिक बोलने से बचना चाहिए, अपनी एनर्जी को कहाँ पर किस समय पर सही जगह लगाना है उसका भी आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग अपनी एनर्जी को व्यर्थ में भी लगा देते हैं। मंगल 11वें घर का मालिक होकर लगन में बैठा है, सोर्स ऑफ इनकम देगा अपने समय में, लेकिन अष्टमे छठे का मालिक होकर लगन में भी है, एग्रेशन देगा, चिड़चिड़ाहट देगा, जल्दबाजी देगा, अधिक बोलने वाला बना देगा, आपको यही नहीं पता होगा कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ इस्तेमाल करनी है। उसी के कारण, जल्दबाजी के कारण समझ लीजिए, क्रोध के कारण समझ लीजिए, आपका मंगल वर्क करेगा जिससे आपका घर परिवार में अशांति का माहौल होना या पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद होना। इसीलिए लगन में बैठा हुआ मंगल मांगलिक दोष बनाता है, तो उसके ये कारण हैं जिसलिए व्यक्ति को सावधान इनसे रहना चाहिए। लगन के ऊपर बुध और सूर्य का प्रभाव। सूर्य तृतीयेश हैं, तीसरा घर साहस के लिए, यात्राओं के लिए, शॉर्ट जर्नीज, लॉन्ग जर्नीज, घर से दूर जाना इनके लिए जाना जाता है और वो आपके लगन को देखता है, यानी साथ में वो बुध भी उसके साथ है, बुध लग्नेश भी हैं, चतुर्थेश भी हैं। घर से दूर जाना, यात्राएं करना, छोटी बड़ी यात्राएं करना, साहस प्रदान करने वाला ये प्लेनेट है। लग्नेश बुध जब लगन को वापस देखता है, कभी कभी ऐसे लोगों के विवाह में थोड़ा सा विलंब भी हो जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए ठीक है, एनर्जी के लिए ठीक है, आयु के लिए ठीक है, मान सम्मान के लिए ठीक है। इस हॉरोस्कोप में एक दूसरी प्रॉब्लम है, चंद्रमा केतु का योग। चंद्रमा और केतु का योग जब एक साथ हो तो ये व्यक्ति के अंदर पेशेंस की कमी करता है। पेशेंस की कमी का मतलब यहाँ ये है कि व्यक्ति को बहुत सब चीज़ें जल्दी चाहिए, चाहत की इच्छा होती है कि उसके जीवन में सब कुछ जल्दी हो जाए। और आपने मुझसे एक बात भी कही थी कि जिससे मेरा लव अफेयर है वो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है, कभी लगता है कि प्यार है, कभी लगता है कि प्यार नहीं है। मैं समझता हूँ थोड़ा सा आपको अपने ऊपर पेशेंस डालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को जल्दी अचीवमेंट चाहिए तो सामने वाला भले ही चाहे एक्स्ट्रोवर्ट भी हो लेकिन आपसे ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ट नहीं हो पाएगा, ये आप ध्यान रखना। इसलिए आपको वाइफ जो भी मिलने वाली है ना वो आपके जितनी एक्स्ट्रोवर्ट नहीं होगी, तो थोड़ा सा अपने ऊपर पेशेंस रखें। मैं समझता हूँ वो लड़की भी ठीक ही है। चलिए अभी आगे और भी हॉरोस्कोप बची है उसको देखते हैं, सवालों के जवाब देंगे। चंद्रमा जब केतु के साथ द्वादश में हो तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अपनी वाणी पर संयम रखें क्योंकि चंद्रमा द्वितीयेश हैं। अपने पैसों पर संयम रखें, धन संचय पर ध्यान दें कि जीवन में पैसा जोड़ना भी है, नहीं तो ऐसे लोग अपने जीवन में जो इतना पैसा आता है उतने ही खर्चे बढ़ाते चले जाते हैं। बृहस्पति चौथे घर में जब बैठे तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। जीवन में स्वयं के बल पर मकान अवश्य बना लेगा व्यक्ति, चाहे वो कैसी भी स्थिति बनाए, लेकिन हाँ मकान अवश्य बना लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। घर परिवार की सुख शांति को बचाने वाला प्लेनेट है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए ठीक कहलाया जाता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, वहाँ से लाभ लेना अच्छे प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी एक अच्छा संकेत है। दशम भाव को जब बृहस्पति देखे तो कर्म के लिए अच्छा कहा जाता है। शनि अष्टमेश होके अष्टम में बैठें, आयु के लिए अच्छा, पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा और लंबी आयु दे सकता है आपको, तो उस हिसाब से ये अच्छा है। लेकिन भाग्येश भी है, भाग्य स्थान का मालिक जब अष्टम भाव में बैठेगा तो भाग्य बनाने में व्यक्ति को पीड़ा तो होगी, भाग्य बनाने के लिए व्यक्ति को जीवन में जद्दोजहद करना पड़ेगा, क्योंकि शनि
कि दृष्टि भी आपके कर्म, धन भाव और पंचम भाव पर है। मैंने बहुत हॉरोस्कोप में देखा है, जिन लोगों के शनि कुंडली में शनि एर्थ हाउस में होते हैं, ऐसे लोगों को जीवन में लव अफेयर्स को कामयाब करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो वो प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ साफ तौर पे दिखाई दे रही है। शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है, शुक्र पंचमेश होके नवम भाव में मित्र की राशि में, ऐसा व्यक्ति बुद्धि में तेज, कुशाग्र बुद्धि वाला, संतान का सुख प्राप्त करने वाला होता है और अपनी कैचिंग पावर से व्यक्ति जीवन में चाहे अपनी बुद्धि के द्वारा तो बहुत अच्छी एजुकेशन भी प्राप्त कर सकता है, ऐसी उसके अंदर काबिलियत होती है। तो ये तो हॉरोस्कोप्स के प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में स्थितियाँ हुई। एक बृहस्पति के बारे में आपको एक चीज़ बताऊं, बृहस्पति आपका यहाँ सप्तमेश होकर अपने से दशम में बैठा है और बुध वहाँ बैठा हुआ है। बुध की राशि में बृहस्पति, बृहस्पति की राशि में बुध, बहुत हद तक दिखाई देता है कि व्यक्ति की पत्नी उसका उसके जीवन यापन में बहुत हद तक सहयोग देगी, साथ देगी। इसको ये भी कह सकते हैं कि जीवनचर्या में साथ देना, या स्वयं के बल पर नौकरी करके धन कमाने वाली स्थिति भी पत्नी की देखी जाती है। चलिए बात करते हैं दशाओं के ऊपर। बिना दशाओं के किसी को कुछ नहीं मिलता। ग्रह अच्छा है, बुरा है, राजयोग में है, धन योग में है, कैसा भी है, लेकिन जब तक उसकी दशा नहीं आएगी उसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति 16 साल की महादशा होती है, अप्रैल 2017 से शुरू हुई। सबसे पहले बृहस्पति को लग्न कुंडली में देखते हैं। चौथे घर में बृहस्पति जब बैठे, घर के सुख शांति को कंट्रोल करेगा, अपने 16 साल की दशा में मकान दिलाने में सक्षम होगा, घर का सुख दिलाएगा। दशमेश होकर दशम को देखें, प्रोफेशनल लाइफ के लिए ठीक है, यानी व्यक्ति कर्म करता है। बृहस्पति ने रूपरेखा रख दी कि मैं कर्म कराऊंगा, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ाऊंगा। बृहस्पति सप्तमेश भी है, इसका मतलब सप्तम भाव यदि पद प्राप्ति का है, कहीं नौकरी लगने का है, तो सप्तम भाव में पत्नी का स्थान भी होता है, यानी बृहस्पति की दशा में पत्नी प्राप्ति के भी योग हैं। ओवरऑल बृहस्पति ठीक है, लेकिन बृहस्पति को प्रॉब्लम काहे की है, मंगल की। मंगल की दृष्टि जब बृहस्पति के ऊपर हो तो कहते हैं अच्छा खासा विवेकी व्यक्ति, सब कुछ अच्छी ठीक तरीके से जानता है, क्या अच्छा क्या बुरा, फिर भी जोश में आकर गलत काम कर दे और अपने गलत निर्णयों से नुकसान पहुंचा ले, वैसा कॉम्बिनेशन आपकी इस कुंडली में दिख रहा है बृहस्पति की दशा में। इसलिए फिर से आया, अपने एग्रेशन, जल्दबाजी, क्रोध पर संयम रखें। नवांश में बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी, दो धन भाव का मालिक, उच्च कहो के नवम भाव में भाग्य के लिए बहुत अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। और दशमांश कुंडली जहाँ से हम प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं, वहाँ बृहस्पति मंगल की राशि में त्रिकोण स्थान में बैठा हुआ है, भाग्य स्थान का मालिक होकर बैठा है, यानी ये सोर्स ऑफ इनकम देगा, भाग्य जगाएगा, बुद्धि के द्वारा भाग्य जगाएगा, वो स्थिति यहाँ अपने आप में बेहतर दिखती है। लेकिन दशमांश में भी देखिए, पंचमेश मंगल अष्टम भाव में, फिर से स्थिति कि आप स्वयं अपनी जल्दबाजी या अपनी आदतों के कारण जीवन में अपना नुकसान करेंगे, नहीं तो दशाएं तो आपके लिए ठीक चल रही हैं। जून 2019 से बृहस्पति में शनि चल रहा है। बृहस्पति यहाँ पंचमेश हैं, पंचम को वापस देखते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में मैं कह सकता हूँ कि भी 2017 जब से ये आया है तब से ये लव रिलेशंस वाली स्थितियाँ कह सकता हूँ मैं। जून 2019 से शनि आया, मैंने इस शनि के बारे में आपको बताया था, जब प्लैनेट एर्थ हाउस में बैठे शनि और उसको भी मंगल की आठवीं दृष्टि हो, आपका लव अफेयर बहुत अच्छा है ईश्वर कृपा से, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप उसे स्वयं बिगाड़ने वाले हैं। जब तक शनि चलेगी दिसंबर 21 तक, अगर आपको इसी रिश्ते में रहना है, इसी रिश्ते को ईमानदारी से निभाना है, इसी लड़की से आपको शादी करनी है, तो दिसंबर 21 तक पेशेंस रखो, तभी आपके जीवन में कुछ हो सकता है, नहीं तो आप स्वयं की अपनी गलती की वजह से नुकसान कर लेंगे। लड़की इंट्रोवर्ट है या कैसी भी है, आप लड़के हैं, आप घर पे से बिना बताए भी बाहर निकल सकते हैं, लेकिन लड़की अगर माँ बाप को या मोहल्ले पड़ोस को ये पता लग जाए कि इसका कहीं अफेयर चल रहा है, तो उसके माँ बाप से भी वो कह सकता है, उसके ऊपर फाउंडेशन आपसे कहीं ज़्यादा होती है, इसलिए उस चीज़ को आप समझिएगा, तभी आपके जीवन में वो ठीक रहेगा। और यदि आपका उद्देश्य कुछ और है कि नहीं मेरा तो बस अपनी मौज मस्ती के लिए अफेयर चलाना है, तो देखिए फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। अदरवाइज आप लड़की की तरफ से सोच कर देखिएगा, तो मेरे हिसाब से आपके लिए वो स्थिति ठीक है, क्योंकि बृहस्पति में शनि तक तो कुछ दिखता नहीं, दिसंबर 21 तक शनि के बाद जब दशा आएगी आपको बुध की,
वो समय एक ऐसा होगा जिसमें आपको एक शादी का योग बनेगा, यानी दिसंबर 21 से अप्रैल 24 के बीच, वो समय आपके लिए अच्छा है। उस समय में आप अपनी लव रिलेशंस को शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस हॉरोस्कोप में अच्छे चांसेस हैं जानकारी में या प्रेम विवाह करने के लिए। तो जो लव अफेयर आपका है वो आगे चलेगा नहीं, देखिए ये आप पे डिपेंड करता है, लड़की की तरफ से तो चलेगा, नॉर्मली आपकी उससे बात भी हो रही है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा समय दीजिए, सामने वाले को समझिए, आप जल्दबाज किस्म के व्यक्ति हैं और जीवन ऐसा नहीं चलता, इसलिए थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। जॉब सिक्योरिटी कैसी है? मेरे हिसाब से बहुत अच्छी दशा आपको चल रही है, आप अपनी तरफ से कुछ गलती ना करें तो इसी दशा में आप बहुत अच्छी तरक्की आगे भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं और अभी भी दिसंबर 21, दिसंबर 21 के बाद फिर बुध की दशा आएगी तो सही है। लेकिन आपकी कुंडली में जो है भागा दौड़ी बहुत है, यानी स्थान परिवर्तन, दूर स्थान पर जाना, काम करना, जैसा अभी भी आप शायद बाहर हैं तो वैसे ही लाइफ में आगे भी तरक्की है। मैरिज एंड फैमिली लाइफ के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, और बिजनेस हो पाएगा या नहीं, देखिए बिजनेस के लिए एक अच्छी दशाओं का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मार्च 2025 से आपको बृहस्पति में शुक्र की दशा आ रही है, तो बृहस्पति में शुक्र की दशा में आप अपने जीवन में बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप नौकरी ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। बिजनेस की समझ वाला व्यक्ति भी ये है और बिजनेस वाली ये हॉरोस्कोप भी है, लेकिन अगर नौकरी बहुत अच्छी चल रही है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि नौकरी में ही अपना समय बिताओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और बिजनेस करना है तो अभी मैं समझता हूँ 2024 तक रुको, 25 से बिजनेस करना। हेल्थ के लिए वही मंगल का इश्यूज़, मंगल जब षष्ठेश होकर लगन में हो तो हेल्थ से ज़्यादा मुझे यहाँ चोट वोट लगने का खतरा भी ज़्यादा दिखता है, तो उसका भी आपको खास तौर पर यहाँ ध्यान रखना होगा। हेल्थ इश्यूज़ तो आएंगे क्योंकि बृहस्पति यहाँ मंगल से दृष्ट है, वो खराब खान पान की वजह से भी हो सकते हैं, आपकी खराब दिनचर्या की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्या माँ काली की साधना कर पाऊँगा? साधना करने के लिए कुंडली में अष्टम भाव का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अष्टम भाव में अष्टमे शनि बैठा है, ये बहुत अच्छा संयोग है, लेकिन मंगल जैसा ग्रह जब उसको देख रहा हो तो बृहस्पति की दशा तक तो साधना नहीं होगी। साधना कब होगी? 2033 के बाद से, तब आप अपने जीवन में साधना की तरफ जाना, तब आपको साधना में फ़ायदा मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलता। उससे पहले आप नॉर्मली पूजा पाठ कीजिएगा, आपकी राशि के मालिक जो हैं वो शुक्र हैं और शुक्र आपके इष्ट देव भी हैं, इसलिए देवी की आराधना करना आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। तो उपाय के तौर पे देवी की आराधना कीजिए, देवी कवच का पाठ कर सकते हैं आप, और नित्य कम से कम मैं कहूँगा एक बार बजरंग बाण का पाठ आप ज़रूर करें। बजरंग बाण का पाठ आपके लिए करना बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेगा, और मैं आपको एक स्टोन पहनने की सलाह दूंगा, वो होगा डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल। एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में चांदी में आपको धारण करना है। आप चाहें तो मुझसे सर्टिफाइड स्टोन प्राप्त कर सकते हैं, दिखा भी सकता हूँ मैं आपको, और उसके रिंग बनाकर आपके स्थान तक प्रोवाइड भी करा सकता हूँ। तो ये दो उपाय आपको करने हैं और ये स्टोन आपको पहनना है। प्रोफेशनली हॉरोस्कोप स्ट्रांग है, अपने दिमाग पर संयम रखेंगे तो जीवन में सब कुछ अच्छा मिलेगा। जल्दबाजी करेंगे, क्रोध करेंगे, बहुत जल्दी चाहिए तो सब चीज़ों का आपका नाश भी होता चला जाएगा, तो उस चीज़ पर आपको खास तौर पर यहाँ कंट्रोल रखना होगा। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, संयम रखिए, पूजा पाठ करिए, जो स्टोन बताया वो पहनिए, आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार।